एक ऐसा नौजवान जिसने देश की स्वतंत्रता के बाद हुए पहले ही आम चुनाव में बतौर सांसद अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति को दूर बैठे जिस कुर्सी से शपथ लेते देखा, आगे अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दूरदर्शिता से वर्ष 1987 में बतौर राष्ट्रपति उसे सुशोभित भी किया। इन्होंने अपने कार्यकाल में चार चार प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा और साथ ही उनमें से तीन को शपथ भी दिलाई तथा जिसने भारतीय सिनेमा के महानतम शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर को पुरस्कृत करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के आठवें राष्ट्रपति स्वामी वेंकट रमन की। गौरतलब है कि वेंकट रमन एक पेशेवर वकील थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। राधा स्वामी वेंकट रमन का जन्म 1910 में तमिलनाडु के तंजौर जिले के राजा मदम गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा पट्टू कोटई के सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में शुरू की। बाद में इन्होंने तिरुचिरापल्ली के नेशनल कॉलेज से उच्च माध्यमिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद चेन्नई के लोयला कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक करने के बाद उन्होंने मद्रास के लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री पूरी की। कानून की शिक्षा पूरी करने के बाद आर वेंकट रमन के पास दो विकल्प थे, या तो वे ब्रिटिश हुकूमत की नौकरी करें या फिर स्वतंत्र रूप से वकालत करें। वेंकट रमन ने इसमें स्वतंत्र रूप से वकालत करने का निर्णय लिया और सन 1935 में मद्रास उच्च न्यायालय से वकालत करना शुरू कर दी। 1951 के आते आते वे कानून के प्रकांड पंडित के रूप में पहचाने जाने लगे। वकालत के साथ साथ आर वेंकट रमन देश की स्वतंत्रता लड़ाई में भी हिस्सेदार रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। वर्ष 1942 में उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। इसी दौरान अंग्रेज सरकार द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। जेल से बाहर आने के बाद वे मजदूरों के अधिकारों के लिए बेहद मुखर रहे। यही कारण है कि ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में पहचाने जाने लगे। 1949 में उन्होंने श्रमिक कानून पत्रिका भी शुरू की। स्वतंत्रता के बाद वेंकट रमन संविधान सभा के सदस्य बने जिसने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। देश के पहले आम चुनाव में वे बतौर सांसद चुनकर केंद्र की राजनीति में आए। एक पूरा कार्यकाल होने के बाद वे पुनः 1957 के चुनाव में लोकसभा सांसद चुने गए, लेकिन इस बार उन्होंने इस पद से इस्तीफा देकर के कामराज के निमंत्रण पर चेन्नई राज्य सरकार में श्रम सहयोग उद्योग बिजली परिवहन और वाणिज्य कर मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए। आगे 1975 से 1977 तक वेंकट रमन ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों के साथ स्वराज पत्रिका का संपादन भी किया। वर्ष 1980 में वेंकट रमन पुनः राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किए जब वे लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। उन्हें इंदिरा गांधी सरकार में वित्त मंत्री का कार्यभार दिया गया। बाद में इन्हें 1983 में देश का बतौर रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। 22 अगस्त 1984 में इन्होंने उपराष्ट्रपति का कार्य संभाला। इसी दौरान वे राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहे। 24 जुलाई 1987 को इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया और 25 जुलाई 1987 को आठवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आर वेंकट रमन का राष्ट्रपति कार्यकाल भी अनेकों राजनीतिक गतिरोध और विशेषता गठबंधन राजनीति के आगमन से काफी चुनौतीपूर्ण भी रहा। चुनौतीपूर्ण इसीलिए क्योंकि अपने मात्र 5 साल के कार्यकाल के दौरान इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया जिनमें से 3 को इन्होंने स्वयं नियुक्त किया था। वेंकट रमन ही थे जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम को अंतरिक्ष कार्यक्रम से मिसाइल कार्यक्रम में स्थानांतरित किया था, जिन्हें बाद में बैलिस्टिक मिसाइल और अंतरिक्ष रॉकेट प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना गया। इनका कार्यकाल बोफोर्स तोप सौदे, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या, स्टॉक घोटाले और मानहानि विधेयक से भी जुड़ा रहा। हालांकि जीवन के हर पहलू में चेंज मेकर होने की विरासत को कायम रखते हुए वेंकट रमन राष्ट्रपति कार्यालय में अपने दिनों का संस्मरण लिखने वाले पहले व्यक्ति बने। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लॉन्च पर इन्होंने इस तथ्य पर खेद व्यक्त किया कि ना तो राजेंद्र प्रसाद और ना ही एस राधाकृष्णन ने पूर्व राष्ट्रपति के रूप में अपने अनुभव के बारे में लिखना चुना। आगे इन्होंने कहा कि ये संस्मरण अगली पीढ़ी को राष्ट्रपति पद की सीमाओं का विश्लेषण समझाने में और मदद करेगा। अंततः 98 वर्ष की उम्र में राधा स्वामी वेंकट रमन का निधन 27 जनवरी 2009 को हो गया। इनके निधन पर भारत सरकार ने 7 दिन के शोक की घोषणा की जो इनके लिए हमारा सम्मान दिखाता है। दोस्तों, उम्मीद है राष्ट्रपति कार्यक्रम का यह हिस्सा आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द ही पॉडकास्ट के अगले राष्ट्रपति कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।